जी बिल्लू साहब, मैं आपसे पूछ रही थी कि मुझे बताएं कि जो गिफ्ट डीड है और सेल डीड है, इन दोनों में क्या फर्क है? जी गिफ्ट डीड जो है ये उससे मुतलका है, जैसा कि कानून की मंशा है। डीड में एक तो सरकमस्टेंसेस लिखे जाते हैं कि किन हालात में ये डीड हो रही है, क्योंकि उसने अल्टीमेटली कन्वर्ट होना है गिफ्ट में। तो डीड की पहली है कि उसमें जो डोनर है, जो गिफ्ट करने वाला है, राहिब इसको कहते हैं, वाहिब कहते हैं, वाहिब ने अपना इंटेंशन जाहिर करना है थ्रू डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद उसकी कबूलियत जो है वो जाहिर लिखनी एक्सेप्टेंस है, आ गई ना, और फिर उसकी डोनर की डिलीवरी के डिलीवरी रेफरेंस भी हो से गई। फिर जी उसमें सरकमस्टेंसेस भी नोट करने हैं कि ये अच्छा, हालातों वाकयात हैं जिसकी वजह से ये मैं गिफ्ट कर रहा हूँ मतलब उसके, प्यार मसलन मोहब्बत है अफेक्शन मुझे, है, मोहब्बत अफेक्शन है, है। आनर है, किसी की अच्छा इज्जत व तकरीम के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक। और फिर अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन पे भी बेस्ड है। तो ये कंसिडरेशंस उसके लिए होते हैं, ये सेल डीड में नहीं, वो अपना जी, ये गिफ्ट डीड में इनका लिखा जाना इंतहाई ज़रूरी है। और सेल डीड सर? और सेल डीड तो ये अपनी प्रॉपर्टी को हमने आगे सेल आउट करना है। ठीक है, सेल डीड जैसा मैंने एक अर्ज़ किया है कि ये गिफ्ट डीड की तरह होगा, इसमें देने वाले का, लेने वाले का वो जो कंसिडरेशन बताएगा, तो उसमें डिलीवरी के बारे में कोई कदगन नहीं है। और फिर उसके आगे ये रजिस्टर्ड जब हो जाएगा तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये रजिस्टर्ड सेल डीड है। अच्छा नहीं जी, जी, इसमें एक बहुत मैं ज़रूरी बात है, दोनों में जी फ़र्क ये है जी जी कि जो सेल डीड है ये किसी ना किसी मुआवजे के अगेंस्ट है, उसकी कंसिडरेशन है। कीमत देनी पड़ेगी, उसकी हाँ कीमत है। यस गिफ्ट जो है वो सर्विसेज के लिए हो सकता है, लव एंड अफेक्शन के लिए, फ्री दुरुस्त, ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, और कोई एक गिफ्ट ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल इव्ज कोई थोड़ी बहुत नजर आना। मेरा एक तो मुलाजम मेरी खिदमत बहुत करता है जी, जिंदगी के अंदर उसने मेरी खिदमत की, मैंने उसकी सर्विसेज पे उसको गिफ्ट कर दिया। सेल डीड जो है वो मुफ्त नहीं होती, वो कीमत देनी पड़ेगी उस जायदाद की, और वो साबित भी करना पड़ेगा कि सचमुच कीमत दी गई, अच्छा अगर जी, वो कंसिडरेशन। चैलेंज हो जाए हाँ तो। ठीक है जबर जबर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कई ऐसे गिफ्ट होते हैं जिसमें आप डिलीवरी नहीं देते हैं। मसलन खामद अगर बीवी को और वो दोनों इकट्ठे रह रहे हैं तो यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन की ज़रूरत नहीं है, कोओनर्स में नहीं है। माइनर को अगर बाप बेटे को कर रहा है या बेटी को कर रहा है, नाबालिग है वो, डिलीवरी ऑफ पोजेशन की कतन ज़रूरत नहीं है, फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑलरेडी हुई। जहाँ पे बंदा ऑलरेडी इन पोजेशन है वहाँ पे फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कागजात में अमल दरामद होने के बेसिस के ऊपर ही उसका समझा जाएगा कि पोजेशन डिलीवर हो गया। डिल्लू साहब, जो डेथ बेड पे गिफ्ट दिया जाता है यस कि मरने मर्जुल मौत, मतलब मरने वाला है अभी, बिल्कुल जिस तरह एक डाइंग डिक्लेरेशन वो दे रहा होता है बंदा, इस तरह डेथ बेड पे होता है और वो किसी को गिफ्ट कर रहा होता है, इसकी क्या वैलिडिटी है? जी, इसके बारे में ये है कि जो मर्ज़ल मौत के वक्त किया जाता है, मर्ज़ल मौत है क्या? हाँ जी, मर्जुल मौत मर्ज़ल है क्या? मौत ये है कि एमिनेंट डेंजर टू डेथ है कि ये मैंने मर जाना है। और उसके बाद मर्ज़ इस तरह का है कि उसमें गालबन यही अगलब यकीन है कि इसने नियर फ्यूचर में बहुत जल्द मर जाना है। उस बंदे को अपनी बीमारी इस तरह से अपने ऊपर हावी कर लेता है या महसूस कर लेता है कि उसको पता चलता है कि मैंने नियर फ्यूचर में मर जाना है। तो इन हालात में अगर वो गिफ्ट हिबा करता है तो मर्ज़ल मौत के मौके पे, तो उस पर मोहम्मडन लॉ के मुताबिक 1/3 की कदगन लगा दी है, पाबंदी अच्छा, लगा दी है। मतलब उस वक्त भी यस, वो जो मर्जुल मौत में गिफ्ट देना है वो 1/3। 1/3। अच्छा अच्छा, फिर उसको साबित करने के लिए बाज़ औक़ात जिस तरह कलानौरी साहब फरमा रहे थे, हमारे माशरे में गलत अंगूठे मरते दम उस पर मरते वक्त लगा देते हैं, उसके जैसे सिग्नेचर कर लेते हैं। तो इस तरह से उसको प्रूव करना है, साबित करना है कि ये बंदा उसके बाद इतनी देर तक सरवाइव किया, ये ज़िंदा रहा। अगर अच्छा एक बंदा आज गिफ्ट कर रहा है और सुबह वो मर गया तो हालात मशकूक हो गए। तो इन हालात में उसको उसके लीगल हेयर्स गिफ्ट को चैलेंज करने के लिए उसके कानूनी वारसान को इख्तियार है कि वो गिफ्ट को चैलेंज कर सकते हैं लेकिन किसी एक दिलू साहब, नहीं सिचुएशन ए, ए, ऐसी है। ए, एक मिनट जफर साहब, लेकिन दिलू साहब ये तो वो है ना कि उसके अंगूठे लगा लिए गए, तो जुबानी भी तो वो कह सकता है ना कि मैंने अपना ये जो जो चीज़ें हैं, या ये मेरी कोठी है, ये मेरी ज़मीन है, मेरी ये ज्वेलरी है, ये मैंने उसको गिफ्ट कर दी, जी जुबानी भी बिल्कुल तो कह सकता है बिल्कुल, ना, हिबा ज़बानी भी हो हो सकता है, सकता है इसके ना। लिए राइटिंग ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम माशरे में कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगी हैं, उन हालात में रिटर्न फॉर्म में भी उसको लिखा जा सकता है। लेकिन नहीं, उसको कानून कानून क्या कहता है कि अगर कहता जुबानी है कि वो उसने, ज़बानी भी हो सकता है,
और कानून हमारा कहता है कि उसको तहरीरी शक्ल में भी किया जा सकता है, जी लेकिन जो मर्ज़ल मौत के मौके पे जब इन हालात में किया जाएगा, तो वो अगर वो बंदा ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहा तो ये मशकूक तसव्वुर होगा, अच्छा ठीक और ठीक अगर वो काफ़ी देर उसके बाद सपोज़ के 10-12 साल तक ज़िंदा रहा, तो फिर हालातों वाकयात से पता चलेगा कि उसने गिफ्ट किया, हिबा किया, और इतनी देर के बाद वो बाद में ज़िंदा रहा, और उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि वो बाहर नहीं जा सकता था, किसी कोर्ट में नहीं जा सकता था, या कोई अपने उस इंटेंशन को वो खुद बता नहीं सकता था कि ये मैंने किया या कि मैंने नहीं किया। अच्छा ये मुझे बताएं जफर साहब, कुछ लोग हिबा कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी में ही हिबा किया होता है, डिलीवरी भी कर देती है, लेकिन बाकी जो वर्षा है वो उसको चैलेंज कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारी माँ बूढ़ी थी या हमारा दादा बूढ़ा था, उसको अंडर प्रेशर करके ये हिबानामा करवाया गया है, तो वो इसको कैसे चैलेंज किया जाएगा जबकि उसने डिलीवर भी कर दिया, उस क्या किया जाएगा? जी ऐसे तो जी बेशुमार मुकदमात मैंने भी ज़िंदगी में लड़े हैं, और ये बड़ी लंबी एक बैटल होती है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है साबित करना कि जी वो बंदा अपने सेंसेस में नहीं था, या मर्ज़ुल मौत में भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, बंदा मर्ज़ुल मौत में भी कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल भी कर सकता है, गिफ्ट भी कर सकता है, चैलेंज भी हो जाती है, लेकिन साबित करना तो जाहिर है फिर मेडिकल एविडेंस ऐसी लानी पड़ेगी कि जी उसके सेंसेस प्रॉपर नहीं थे। अब एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक बंदा जो है वो गिफ्ट करता है और उसके कुछ दिन बाद वो खुदकुशी कर लेता है, अब आप बताएं कि उसने उस वक्त तो वो प्रॉपर सेंसेस में था, ये साबित करना कि जी उसने जो खुदकुशी इस वजह से की है या उस वक्त अपने सेंसेस में नहीं था, ये बड़े टिकलिश किस्म के केसेस हैं और बहुत लंबी लंबी देर तक अदालतों में चलते हैं और बहुत मुश्किल काम है इसको साबित करना। आजकल के ज़माने में कुछ बदबخت लोग ऐसे हैं कि अपने बुज़ुर्गों की वो खिदमत करते नहीं, छोड़ के चले जाते हैं, किसी एक के पास वो रह रहे होते हैं, और जब रह रहे होते हैं बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो धोखे से साइन करवा लेते हैं, और कई दफ़ा जनरली वो समझता है कि मेरे और किसी बच्चे ने मेरी खिदमत नहीं की तो मैं इसको क्यों ना दे दूँ, तो फिर दूसरे बाद में सारे उठ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर अदालतों में ये लंबा अरसा तक चलता है, ये इतना आसान काम नहीं है इसको साबित करना, यही और ना इस पर कदगन कोई नहीं है। मैं जितनी देर तक जिंदा हूँ, मुझे बेशक जिस तरह की मर्जी बीमारी है, मुझे कोई नहीं रोकता कि मैं बजरिया सेल या बजरिया गिफ्ट अपनी प्रॉपर्टी जिसको चाहूं दूं, ये तो कल साबित करना पड़ेगा कि सचमुच मैं प्रॉपर सेंसेस में नहीं था और मेरे पे प्रेशर लगा के अनड्यू इन्फ्लुएंस है, डुरेस है, धोखा दिया गया, फ्रॉड किया गया, मेरे इमोशनली मुझे ब्लैकमेल किया गया, तो फिर ये साबित करना एक मुश्किल काम हो जाता है और ये कॉम्प्लिकेटेड सिविल दावों में से एक है। एक है, यही मैं इसलिए कहना चाह रही थी क्योंकि इस किस्म के ही बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि सिविल कोर्ट में पेंडिंग हैं, लोग उसके पीछे जा रहे हैं और वो अभी तक लॉजिकल एंड तक नहीं गए, जबकि यही कहा जाता है कि माँ बाप या बूढ़े बुजुर्ग घर में होते हैं, कोठियाँ बड़ी बड़ी हैं और उनसे जो है या तो फ्रॉडलेंटली या वाकई ही उन्होंने आउट ऑफ लव अपने किसी पोते को, किसी बेटे को, किसी बेटी को कुछ पार्ट जो है वो गिफ्ट कर दिया होता है और आज तक वो चैलेंज हुआ होता है। जी ऐसी सिचुएशन भी होती है, मैं आपको बताऊं, शिया लॉ और सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल डिफरेंट है। अगर एक बंदा शिया है और उसकी नरीना औलाद नहीं है, उसका बेटा कोई नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, तो अब लॉ जो है शिया लॉ तो ये कहता है कि खवातीन सब कुछ ले जाएंगी, लेकिन अगर वो सुन्नी था तो अब जो मैक्सिमम जायदाद है सिर्फ 1/3 एक पोर्शन उनके पास जाएगा बेटियों के पास, बाकी दूर के रिश्तेदार ले जाएंगे, तो उस सूरतों में लोग जो हैं वो बड़े परटर्ब होते हैं और वो बहुत दफ़ा अपनी लाइफ टाइम के अंदर फिर गिफ्ट करके अपनी बेटियों को मालिक बना देते हैं हालांकि वो सुन्नी होते हैं, तो फिर ये वाले गिफ्ट जो हैं बहुत सारे चैलेंज होते हैं और वो जो करीबी रिश्तेदार हैं जो ज़िंदगी के अंदर शायद जूतियों में दाल बटती हो, वो सब के सब उठ जाते हैं और वहाँ पर वो फिर सहारा लेते हैं मज़हब का भी और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का भी और जाके अदालतों के अंदर चैलेंज करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। मुझे बताएं ढिल्लो साहब, आप ये बताएं कि क्या गिफ्ट जो है एज फ्रॉम द मीडियम ऑफ ट्रस्ट भी हम दे सकते हैं? जी बिल्कुल जी, गिफ्ट को इसको ट्रस्ट के ज़रिए भी हम मीडियम ऑफ ट्रस्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं, यानी कि हम किसी ट्रस्ट को दे सकते हैं और फिर वहाँ डिलीवरी भी ट्रस्टी को देनी है, तो उसके जितने भी आप शौकत खानम को, सर आप किसी भी कैंसर हॉस्पिटल को, कोई इनमोन हॉस्पिटल को या किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आप इस तरह गिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी जायदाद है तो आप किसी भी चैरिटेबल काम में जो सवाब का काम है आप उसको उस ट्रस्ट को दे सकते हैं और फिर वो उस पर ट्रस्टी भी मुकर्रर करेंगे और फिर उसकी कंसिड्रेशन आपका सवाब होगा, यानी कि आप सवाब की नज़र से आप दे रहे हैं, लिहाजा ये भी वैलिड गिफ्ट है, कानून इसकी इजाज़त देता है। लेकिन सर मैंने ये देखा है कि कुछ लोग गिफ्ट करते हैं और गिफ्ट जब वो कर रहे होते हैं उन्होंने गिफ्ट डीड बनाते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको प्रोसीजर को फॉलो किया होता है, गिफ्ट डीड रजिस्टर हो जाती है,
लेकिन जब टाइम आता है कि डिलीवरी देनी है, वहाँ पे बाकी रिश्तेदार या बाकी जो उसके बुरसा हैं या बहन भाई हैं या जो भी लीगल एयर्स हैं किसी के भी, वो खड़े होकर इसको चैलेंज कर लेते हैं, उनके लिए इस काम के लिए उनके पास क्या रेमेडी है? देखें जी, बात यह है कि अदालत में तो हर आदमी जा सकता है, ये फोरम अदालत ही है, फोरम सिविल कोर्ट में जा सकता है, ये सिविल जज को ये ज्यूरिसडिक्शन हासिल है कि उन्होंने डिक्लेयर करना है, उन्होंने ये वजाहत करनी है कि ये डॉक्यूमेंट जो था गिफ्ट का, ये गिफ्ट डीड जेन्युइन है या इनजेन्युइन है, या फ्रॉड के साथ या किसी धोखे के साथ किया गया है, चैलेंज हो जाए, चैलेंज उसको चैलेंज करेंगे। जैसे कलानोरी साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल उस पर एविडेंस आएगी, एविडेंस पे जो बंदा चैलेंज करता है कि ये धोखे पे मबनी है, वो प्रूव करेगा कि कैसे धोखा है, जो है ना ट्रायल उसके और उसका पूरा सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा, एविडेंस होगी दोनों पार्टीज की, और फिर उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाएगा, आज के दौर में मेडिकल एविडेंस के साथ वो प्रूव करेगा। अच्छा सर, वैसे डिल्लू साहब मुझे बताएं कि विच इज बेटर, विल या गिफ्ट? अब हम कानून की नज़र में तो दोनों बराबर हैं, और इस्लाम में भी उसकी गुंजाइश, वसीयत की गुंजाइश 1/3 है, और वो क्यों? चूँकि इस्लाम हमारा मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है, ये दीन इस्लाम में हर मकतबा फ़िक्र, हर शोबा ज़िंदगी के बारे में, तो वो पूरा दे सकते हैं। यस, चूँकि उस पर था कि एक्चुअली था कि इस्लाम का तरीक़ाकार ये है कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, औलाद के साथ भी ना हो, इसलिए वसीयत में उन्होंने 1/3 की हदायत कर दी, 1/3 की। लेकिन सर कहा जाता है कि जब आपने गिफ्ट करना है तो अपनी लाइफ टाइम में भी आप 1/3 से ऊपर गिफ्ट नहीं कर सकते। नहीं, इसके लिए नहीं है, मोहम्मदन ला में आप अपनी पूरी जायदाद को भी गिफ्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आगे दो चीज़ें हैं, एक हैं जायज़ वारसान जिनको आप गिफ्ट कर सकते हैं, एक होते हैं नजायज़ वारसान, यानी जो आपके साथ ब्लड रिलेशन तो होता है लेकिन वो प्रीमेटरी क्लास में वो फाल करते हैं, मसलन आपका बेटा है तो बाप अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी नवासी को, अपनी पोती को तो दे सकता है, और उस पर रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा तो पैसे कम लगेंगे, यानी रजिस्ट्रेशन में थोड़े पैसे लगेंगे क्योंकि उसने गिफ्ट अपने जायज़ वारसान को किया है। अगर एक बहन वही प्रॉपर्टी गिफ्ट करती है अपनी औलाद को छोड़ के अपने भाई को या अपनी बहन को, तो कानून ने कहा है कि यहाँ वो जायज़ वारसान में वो भाई नहीं आएगा बहन का, लिहाजा रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक जो सेल डीड पे पैसे लगेंगे वही पैसे गिफ्ट डीड पे भी खर्च होंगे। अच्छा, लिहाजा यहाँ ये बात है। लेकिन यहाँ पे एक मैं ज़मीनन बात करूँ, ये जी, जो पैसे खर्च होंगे ये सरकारी रसूम है, सरकारी ड्यूटी देनी है। हाँ। वहाँ पे सचमुच पैसे तो फिर भी नहीं देने, जब गिफ्ट है तो फिर उसकी रकम नहीं है, सेल है तो फिर उसकी रकम वैल्यू है देनी पड़ेगी, ये फर्क है। सही फरमा, ठीक ठीक। तो कलानोरी साहब आप क्या कहते हैं, ये जैसे कि मुझे भी ये कहा गया कि जी ये गिफ्ट करना है तो सारे वर्सा इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में जितना भी करना है कर लो, लेकिन 1/3 से ऊपर जो है ये हिबानामा नहीं हो सकता। डिल्लू साहब कहते हैं कि नहीं, गिफ्ट करना है, हिबानामा करना है, तो वो पूरी प्रॉपर्टी का भी अपने का, ये बिल्कुल डिल्लू साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। हाँ। जी अपने लाइफ टाइम के अंदर हर मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी अगर पूरी की पूरी लीगल एयर्स को क्या बिल्कुल डिप्राइव करके किसी तीसरे को दे दे, वो दे सकता है, वो अपने एक्ट्स का मालिक है। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर कुछ ऐसी रवायात हैं और कुछ ऐसे फकी हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये सिनफुल एक्ट है कि आप गिफ्ट के जरिए से भी आपने वर्सा को डिप्राइव करें। हाँ। लेकिन उसके ऊपर कानूनी तौर पे, मजहबी तौर पे कोई किसी किस्म की कदगन है ही नहीं, और ये जो 1/3 निकाला गया है कि विल भी 1/3 से ज्यादा ना करें, तो जाहिर है उन लोगों को देनी है। मुझे गुंजाइश ये दी गई है कि मैं अपने लाइफ टाइम के बाद भी अगर किसी लोगों को जो मेरे वर्षा नहीं है, अगर मैं 1/3 देना चाहता हूँ तो मैं दे लूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी का कामल मालिक हूँ और मेरा अपना जेन है और मेरी अपनी सोच है और मेरा खुद अपनी कंसिडरेशन है, मैं देखूँगा किसने मेरे साथ क्या किया है, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी से फ्री टू डील। सर होता ये है कि आपकी प्रॉपर्टी है और आप कहते हैं कि इस मेरे बेटे ने मेरी बड़ी खिदमत की है और मैंने इसको ये गिफ्ट कर दिया, जब आप थोड़े बुजुर्गी में आ जाते हैं और वही बच्चा आपको इल ट्रीट करने शुरू हो जाता है, आपकी खिदमत गुजारी नहीं करता, उल्टा आपके साथ ज़रा
रवैया भी उसका नाजेबा हो जाता है, आप तंग होने लगते हैं, तो आप कोर्ट की तरफ जाते हैं, तो क्या आप अपना गिफ्ट वापस ले सकते हैं? अब बिल्कुल जी, कोर्ट के अंदर आपको कोई नहीं रोकता, आप लाइफ टाइम के अंदर जाके अगर खुद भी अपने किए हुए गिफ्ट को चैलेंज करना चाहें तो चैलेंज करेंगे, और अगर आपने एविडेंस से ये साबित कर दिया कि जी इस गिफ्ट के अंदर ये कदगन रह गई है और या ये जो मेरी कंसिड्रेशन थी पूरी नहीं हुई, मैं वापस लेना चाहता हूँ, तो एविडेंस दे के वापस लें। बल्कि इसको बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर देखा जाता है। लोग कहते हैं कि अगर किसी गिफ्ट करने वाले ने अपने लाइफ टाइम में उस गिफ्ट को वो जिंदा रहा चैलेंज नहीं किया तो माना यह जाएगा कि उसने वाकई दिल से कर दिया था, और अगर उसने खुद लाइफ टाइम के अंदर चैलेंज कर दिया था और अभी मुकदमा पेंडिंग है और उसकी डेथ हो गई तो वर्षा बड़ा वैलिड ये ले सकते हैं। दूसरे वर्षा ये पॉइंट कि जी हमारे वालिद ने तो लाइफ टाइम में भी चैलेंज कर दिया था, इसलिए ये गिफ्ट बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुआ, ये धोखादेही से हुआ, इस बंदे ने शीशे में उतारा या डिप्राइव किया और उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं की, तो बहुत चांसेस हैं कि वो वाली डिग्री जो हो जाए और वो गिफ्ट जो है लाइफ टाइम में भी चांसेस हैं कि मंसूख हो सके और बाद में भी मंसूख हो सकता है। ढिल्लो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी एक वसीयत खुली गई थी जब उनकी डेथ हुई, उस वसीयत को किसी ने चैलेंज तो नहीं किया, लेकिन अवाम उसको दिल से उस तरह मानती नहीं है ना। उनके उनकी बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी लाइफ टाइम में कभी कहा कि मैंने एक वसीयत लिखी है, ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये कहा कि मैंने लिखी है तो मैंने किसके पास रखवाई है, और ना ही उस वसीयत की जो हैंड राइटिंग थी बेनज़ीर साहिबा की उससे मैच किया गया। तो क्या इस वसीयत की, अब उस वक्त ज़ाहिर है उनके जो हस्बैंड थे उनका बड़ा असर रसूख हो गया, वो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर तक नहीं थे, वो भी बन गए, सदर बन गए, लेकिन मुझे आप एज ए लॉ स्टूडेंट ऑफ लॉ आप मुझे बताएं कि जब इस तरह से इतनी बड़ी शख्सियत हमारे मुल्क की उसकी एक वसीयत खुलती है तो क्या इसको अफर्म नहीं करना चाहिए था किसी चीज़ से? मैडम नहीद, ये इंतहाई बदकिस्मती है कि इस तरह के मुअस्सर लोग जब कानून को मिसयूज़ करते हैं, यही अलमिया है पाकिस्तान में। अब ला जो है ला विम्स पे मफरूज़ों पे नहीं बेस्ड करता, बल्कि ये रीज़न पे बेस करता है। अब सवाल ये है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ वही बंदा अदालत में जाके उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज करेगा जो उसका बेनिफिशरी होगा, जिसने उससे फ़ायदा लेना है इन फॉर्म ऑफ लीगल हेयर्स। अब एक बेटा एक बेटी और एक तरफ हस्बैंड है, ये उसके लीगल हेयर्स हैं उसकी बाकी प्रॉपर्टी के, तो अगर इनमें से किसी को चैलेंज करना था तो देवर लीगल हेयर्स। अब अनफॉर्चुनेटली वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी थी। हाँ, अब देखें अब देखें, मेरी बात सुने, पब्लिक प्रॉपर्टी में पूरा पाकिस्तान दिल को किसी से बुरा कहे तो वो ला ला की ये स्पिरिट नहीं है। अच्छा, उसमें से कोई बंदा आए जो आके पिटिशनर बने, जो बनता तो वो कहता कि एज ए पाकिस्तानी मैं इस डॉक्यूमेंट को इन बुनियादों पे चैलेंज कर रहा हूँ, तो उस पे कोई वर्डिक्ट आ सकता था, लेकिन चूंकि वो मुअस्सर थे जनाब जरदारी साहब और तो उनके, इसलिए किसी पाकिस्तानी ने, किसी आदमी ने, इस मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शख्स ने ये जुर्रत हिम्मत नहीं की, इसलिए वो अनसेटल्ड इशू रह गया और आज हम इस पोजीशन में हैं एज ए लीगल स्टूडेंट ला के तालबिलमों की हैसियत से यहाँ बैठे हैं। तो अब हम इस पोजीशन में नहीं है, बल्कि ये टॉपसी टर्वी सिचुएशन है जिसमें हम समझ नहीं आ रही कि टू बी और ना टू बी वाली कैफियत है कि वो सही थी या गलत थी। अदरवाइज़ इस वसीयत को चैलेंज किया जा सकता था। बेनज़ीर साहबा, मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की मतदद राइटिंग्स थी, वो पढ़ी लिखी खातून थी, इतनी ऑक्सफोर्ड से पढ़ी लिखी खातून, उसकी ये एविडेंस इन राइटिंग ब्लैक एंड वाइट एविडेंस जो है वो कलेक्ट की जा सकती थी और उसकी बुनियाद पर इसको चैलेंज किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो सदर पाकिस्तान बन गए। वो तो सर बात की बात है ना, मुझे था, मैं तो ये एज ए क्वेश्चन पूछा है कि इस तरह जब वसीयत आती है बड़े लोगों की तो उसको भी अफर्म करना चाहिए, ये कर तो सकते हैं, चाहिए भी, लेकिन कोई बंदा इसको चैलेंज करता तो तब इसकी फेट का पता चल सकता था। अब बदकिस्मती से किसी ने चैलेंज नहीं किया तो इसलिए ये अनसेटल्ड इशू रहा है। ठीक है, ज़बर साहब आप मुझे बताएं कि कुछ ऐसे गिफ्ट होते हैं जो कि अभी जैसे आपने कहा था अनबॉर्न चाइल्ड है और 6 मंथ्स का पीरियड होता है, ये कुछ ऐसी कंटिंजेंट, वो भी तो कंटिंजेंट शर्त कंडीशन हो जाती हैं कि अगर ये
कंटिजेंटी मतलब होगा तो ये गिफ्ट तुम्हारा है, तो क्या ऐसी चीज़ें भी गिफ्टेड में आ जाती है सर? बिल्कुल जी, ये देखें ऑल सेट एंड डन, ये कॉन्ट्रैक्ट ही है ना बिटवीन टू पार्टीज। मतलब कश्मीर आज़ाद हो गया तो तुम्हें ये मेरे गिफ्ट तो कर दिया, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह है इस तरह हिबा विल शर्त के साथ जो है ये भी उसका एक गुंजाइश मौजूद है। तो अगर वो इवेंट होगा और वो शर्त पूरी होगी तो उस पर अमल दरामद होगा, वरना नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह उसी तरह का एक डॉक्यूमेंट है, जो प्रूव करना पड़ेगा कि और उस इवेंट का होना ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक सामान बुक करवाया हुआ, वो जापान से पाकिस्तान आ रहा है और मैं गिफ्ट कर देता हूँ एक बंदे को कि जी जो आएगा मैंने तुम्हें गिफ्ट किया और मैं आते ही उसका जो है ना पोजेशन तुम्हें दे दूंगा और उसके जो लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी दे देता हूँ, जहाज़ रास्ते में गर्क हो गया, वो सामान कभी पाकिस्तान आया ही नहीं, तो फिर ये कैसे अमल दरामद होगा? तो ये बिल्कुल इसी तरह का जो शर्त वाली बात है कि एक बंदा मालिक बनेगा, लिटिगेशन चल रही है, वो मालिक बना ही नहीं, मतलब उसको विरासत में मिलेगा, उसके वालिद ने ही जिंदगी के अंदर प्रॉपर्टी बेच दी तो वो मालिक ही नहीं था। मतलब अब मालिक नहीं बना तो देना कहां से? हिब्बा नामे में कॉन्टिजेंसी नहीं आ सकती है, कॉन्टिजेंसी नहीं, जब अनलेस यू आर एब्सोल्यूट ओनर। नाज़रीन, आई एम वेरी मच श्योर कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था वसीयत के हिसाब से और जो हिब्बा नामा जो गिफ्ट देते हैं उसके मुतालिक आपको पूरी की पूरी हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी किसी किस्म का आप सवाल पुट अप करना चाहते हो, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें ख़त लिख सकते हैं लीगल एडवाइस विद नाहिद बेग रॉयल टीवी के ऊपर। मैं अपने दोनों मेहमान जनाब इफ्तिखार अहमद ढिल्लों साहब का, जनाब ज़फ़र कलानौरी साहब का स्पेशली कि वो इतनी बारिश में यहाँ मेरे प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लेके आए, इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की शाम बहुत मुबारक है क्योंकि शाम के वक्त ही कैदियों की रिहाई होती है। मोहम्मद बिन सलमान का, प्रिंस ऑफ क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।